बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और ये सेकेंड ईयर का लेक्चर है फ्रॉम फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह। सो डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिका का मतलब है टू कॉपी। डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच पेरेंटल डीएनए डुप्लीकेट टू प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल दैट स्टार्ट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब जो डीएनए होता है पेरेंटल डीएनए, उससे टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और इसको हम कॉपी ऑफ डीएनए कहते हैं या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। सो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है ये एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होता है। That is take place in S phase of the cell cycle. So replication जो है इसके लिए three model जो है मौजूद हैं। एक होता है semi-conservative models. Semi-conservative model, दूसरा है conservative model, तीसरा है dispersive model. तो semi-conservative models में क्या होता है, इसका introduction है, each strand of DNA molecule separate and each act as a template. मतलब हर एक स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल का जो है ना, वो मतलब जो पेरेंटल डीएनए है दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और जब अलग हो जाता है तो फिर टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, मतलब सपोर्टर के तौर पे काम करता है। उसी डीएनए के जरिए ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड के जरिए न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। In this way, two daughter DNA and are formed with one old and one new strands. This model represented by Watson and Crick, और दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये मॉडल पेश किया था। फिर इसके बाद है कंजर्वेटिव मॉडल। सो द पेरेंटल डीएनए रिमेन इंटैक्ट एंड एट सम डुप्लेक्स स्टेट। पेरेंटल डीएनए अपने पोजीशन में जिस तरह है उसी तरह रह जाता है, व्हाइल डॉटर डीएनए विद बोथ न्यू स्ट्रैंड इज एस्टेब्लिश्ड। और जो डॉटर डीएनए बन जाता है उसमें दोनों स्ट्रैंड न्यू बन जाते हैं। इन दिस वे द पेरेंटल डीएनए इज फुली कंजर्व इन नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन में जो पेरेंटल डीएनए है वो फुली कंजर्व हो जाता है, महफूज रह जाता है। इसके बाद स्टूडेंट है तीसरा पॉइंट, डिस्पर्सिव मॉडल। डीएनए रेप्लिकेशन का जो डिस्पर्सिव मॉडल है उसमें पेरेंटल डीएनए कंप्लीटली डिस्पर्स, पेरेंटल डीएनए डिस्पर्स हो जाता है इनटू फ्रेगमेंट्स विच विल बी मैच्ड विद न्यू न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स, और ये न्यू न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स के साथ मैक्स हो जाता है। एंड दिस वे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल वुड बी अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू फ्रेगमेंट्स। और डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये न्यू और ओल्ड में मतलब मैक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। सेमी कंजर्वेटर मॉडल में अगर आप देखें तो ये ओल्ड डीएनए है, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड या डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो इसका एक स्ट्रैंड मतलब ओल्ड स्ट्रैंड और दूसरा न्यू स्ट्रैंड, ये है ओल्ड और ये न्यू स्ट्रैंड। इस तरह यहां पे भी वन ओल्ड दूसरा न्यू स्ट्रैंड। फिर नेक्स्ट सेकेंड रेप्लिकेशन में क्या करता है, ये जो है इसका ओरिजिनल मतलब ये जो है ओल्ड वन और न्यू स्ट्रैंड, और ये दोनों न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। इसके बाद इसी तरह इसमें भी ये जो डीएनए है ये भी अपना कॉपी भी बना देता है और यहां पे न्यू स्ट्रैंड भी बना देते हैं। इसके अलावा जो है कंजर्वेटिव मॉडल में अगर आप देखें तो ये एक ओरिजिनल स्ट्रैंड है, और इसके साथ हमने एक्सप्लेन किया कि ये जो है इसका ओरिजिनल वन इसी तरह कंजर्व रह जाता है। ये सेमी कंजर्वेटिव है
मतलब ये है कि वन स्टैंड कंजर्व है, दूसरा न्यू है, मतलब एक महफूज रह गया और दूसरा जो है न्यू इसके साथ बन गया, और ये कंजर्वेटिव फुली कंजर्व है, मतलब ए डीएनए स्टैंड देखे तो एक प्योर डीएनए है और दूसरा न्यू डीएनए बन जाता है, इसी तरह ये प्योर डीएनए बनाता है, इसी तरह न्यू डीएनए और ये दोनों भी न्यू डीएनए बनाते हैं। इसके अलावा जो है डिस्पर्सिव मॉडल में अगर आप देखें तो ओरिजिनल यानी पेरेंटल डीएनए जो है ये इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये डिस्पर्स हो जाता है। देखिए यहां पे एक, यहां पे दूसरा, फिर ये सेम स्ट्रैंड है लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिस्पर्स है। इसी तरह इसमें भी तो ये फर्स्ट रिप्लिकेशन है और सेकेंड रिप्लिकेशन में भी इसी तरह मतलब डिस्पर्स फॉर्म में डीएनए बन जाता है। तो जो ओल्ड है मतलब जो ओल्ड स्ट्रैंड है इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये यहाँ पे डिस्पर्स है और जो न्यू है न्यू भी यहाँ पे इसमें मौजूद होता है लेकिन डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होता है। तो स्टूडेंट ये था डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल।